गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा आपका टाइप्स ऑफ नंबर चल रहे थे, आज अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों। देखिए परिमेय संख्या, रैशनल परिमेय संख्या। देखिए बच्चों, पहली बात परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्यू मतलब नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे अगर नीचे का जीरो हो जाएगा तो उत्तर आता है आपका अपरिभाषित, या आप इसको बोलते हैं कई बच्चे अनंत। सही है, इंफिनिटी या इंडेफिनिट, जो भी आप बोलते हो बच्चे, ठीक है। तो नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों का मान जीरो नहीं होना चाहिए। वो सारी संख्याएं आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं, मतलब जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब मैं आपको लेता हूं एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जितनी भी आपने प्राकृत संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, कहलाती है। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, सभी सात दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तीसरा सभी आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, देखो जब पूर्णांक संख्या होती है, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, या फिर -1, -2, -3, सही है बच्चों। अब इन सबके बटे में हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी संख्या में हम एक का भाग दे सकते हैं, तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सभी के बटे में एक लगा दिया, क्या ये p बटे q के रूप में लिखी जा रही है, नहीं लिखी जा रही है। देखो p बटे q के रूप में लिखी जा रही है, और q का मान जीरो है क्या, नहीं। q का मान देखो नीचे जीरो है कहीं नहीं है, तो ये सारी संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। ओके बच्चों, क्लियर हो गया होगा कि पूर्णांक संख्या परिमेय क्यों होती है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, सभी सात दशमलव, मैंने आपको अभी बताया सात दशमलव से 0.5, 0.37, 0.453, 0.379, ये आपकी संख्या कैसी कहलाती है, सात दशमलव कहलाती है। और सभी सात दशमलव क्या होती है, परिमेय होती है। क्यों होती है परिमेय बताता हूं, जब यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या जाएगा बच्चों, 10, तो 5 × 10 ये बता दो, क्या ये p बटे q के रूप में लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, तो ये आपकी कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऐसे यहां पॉइंट हटाएंगे तो आप जानते हो 1000 आएगा, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां भी 1000 आएगा। सब p बटे q के रूप में लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, आपको दिख भी रही होंगी, सबका रिप्रेजेंट p बटे q है, और क्यू का मान जीरो है क्या, नहीं है, तो ये सारी संख्या कैसे कहलाएंगी, सात दशमलव परिमेय संख्या। ओके, अब बात आती है सभी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या क्यों,
अभी मैंने आपको आवर्ती अशांत दशमलव का एग्जाम्पल बताया था, अशांत जो भाग कभी शांत नहीं होता, और आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो जब हम भाग देते हैं तो वो सेम आंसर आता है, सेम आंसर मतलब रिपीट होता है, जैसे तीन 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 पॉइंट तीन 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 पॉइंट छः 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 या पॉइंट तिरसठ तिरसठ तिरसठ, तो ये ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका अशांत आवर्ती अशांत दशमलव संख्या कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पॉइंट थ्री उस पर भाग, ठीक है, इसका मतलब आप सब जानते हैं कि पॉइंट थ्री 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 ऐसे, ठीक है। अब ये कहोगे सर ये पी वर्ती क्यू के रूप में तो लिखी नहीं जा रही। अब देखो बच्चों, जब बार वाली संख्या से, कौन सी वाली संख्या से, बार वाली संख्या से पॉइंट हटाते हैं, कहां से, ढंग से सुनना, बार वाली संख्या से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे नौ आता है। ओके बच्चों, क्या आता है, नौ। एक पर वाल लगना तो एक नौ आएगा, दो पर वाल लगेगा दो नौ आएंगे, तो एक बटा। अब बताओ ये पी वर्ती क्यू के रूप में लिखी जा रही है, और क्यू का मान जीरो है क्या, नहीं है, तो ये परिभाषित संख्या होगी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पॉइंट छह सात इस पर भाग, तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहां पर बार लग रहा है, तो बार वाली संख्या से जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आते हैं, नौ आते हैं। अब नौ कितने आएंगे यहां पर, दो आएंगे, क्योंकि दो संख्या पर बार लग रहा है। ओके, पॉइंट थ्री सिक्स सेवन पूरे पर बार लग रहा है, तो यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो आएगा थ्री सिक्स सेवन अपॉन नाइन नाइन टी वन। तो ये आपकी, ये भी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है, ये भी क्या होती है आपकी, परिमेय होती है, सारी पी वटे क्यू के रूप में लिखी जा रही है। आप देखिए पी वटे क्यू के रूप में, पी वटे क्यू के रूप में, तो आपकी ये संख्या कैसे कहलाएंगे, परिमेय। इनके अलावा जैसे आ गया पॉइंट वन सिक्स, सिक्स पर बार लगा हुआ है, इसको हमें बदलना है, इसको हमें बदलना है किसमें, परिमेय संख्या में, कि ये परिमेय संख्या है या नहीं पता करना है। तो पहले तो मैं इसका मतलब बताता हूं, पॉइंट वन और सिक्स 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 रिपीट हो रहे हैं। अब मैंने कहा था बार वाली संख्या से पॉइंट हटाते तो नौ आता है, लेकिन आप एक बात देखिए, पूरे पर बार लग रहा है क्या, नहीं, इस पर बार नहीं लग रहा और इस पर बार लग रहा है, और दोनों ही संख्या किसकी है, पॉइंट की है, दशमलव की है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना, इसको पी वटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो पी वटे क्यू जब बार वाली भी आए और बिना बार वाली है, दोनों आए, मिक्स आए, ठीक है, इसको बोलेंगे मिक्स, ठीक है। आप देखो इसमें से हटाएंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, सोलह। इसमें से घटाएंगे बिना बार वाली संख्या, कौन सी, बिना बार वाली, अब बिना बार वाली कौन सी बच्चों, एक है, बटे बार कितने पर लग रहा है, तो आप बोलोगे सर एक पर लग रहा है, नौ आ जाएगा उसकी जगह, और बार कितने पर नहीं लग रहा, एक पर नहीं लग रहा, उस जगह क्या आएगी बच्चों, जीरो आएगी। तो इसको लिखेंगे आप पंद्रह बटा नब्बे, और पंद्रह बटे नब्बे क्या होता है, एक बटा छह। अब बताओ क्या हमने इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा, नहीं लिखा, लिख दिया, तो ये संख्या कैसे कहलाएगी आपकी, आवर्ती अशांत दशमलव, वो क्या कहलाएंगे, सभी परिमेय होते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए हम, जैसे अगर आपने लिया पॉइंट थ्री फोर थ्री और तैतालीस पर वाल लग रहा है, फोर थ्री, ठीक है। अब देखिए ये मिक्स संख्या है, मिक्स, ठीक है, इन पर बार है और इस पर बार नहीं है, तो इसको अपन पी वटे क्यू के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, भिन्न के रूप में, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, तीन सौ तैतालीस, तीन सौ तैतालीस पॉइंट डालिए, इसमें से घटाएंगे बिना बार वाली संख्या, कौन सी, बिना बार वाली, तो बिना बार वाली कौन है बच्चों, तीन, राइट, और नीचे बार कितने पर लग रहा है बच्चों, दो पर, तो दो क्या आएंगे, नौ, और बार कितने पर नहीं है, एक पर, तो जीरो क्या आएगी, जीरो, क्योंकि आपको पता होगा जब बिना बार की संख्या आती है पॉइंट हटाते तो नीचे जीरो आती है, और जब बार वाली संख्या से पॉइंट हटाते तो नीचे क्या आता है, नौ आता है, बता दिया मैंने, उसके एग्जाम्पल दे दिया आपको, तीन सौ तैतालीस तीन गए तो तीन सौ चालीस बटे नौ सौ नब्बे, जीरो चौतीस बटे, ऑलराइट, कोई डाउट हो कहीं से किधर से भी आप पूछ सकते हो। अपरिमेय संख्या, देखिए बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो अपरिमेय होती है जिन्हें हम पी बटे क्यू के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में
सो नहीं कर सकते और क्यू का मान जीरो नहीं है, दोनों ही बात है। पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता वो सारी संख्या क्या कहलाती है, आपकी अपरिमेय कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या कहलाती है, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, रूट सात, रूट छह, रूट आठ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दो का घनमूल, चार का घनमूल, पांच का घनमूल, क्या आप इनका पूरा पूरा मान निकाल सकते हो? नहीं। तो जितनी भी आपकी ये करनी होती है जिनका एग्जैक्ट मान नहीं निकलता, प्रॉपर मान नहीं निकलता, उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो सारी संख्याएं आपकी कैसी कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी होती है अपरिमेय संख्या। इसके अलावा कौन सी होती है, इसके अलावा कौन सी होती है वो भी देखिए आप। इसके अलावा जैसे जैसे पाई, पाई का मान लगभग होता है 22/7। आप ये लगभग मान पढ़ते हो, एग्जैक्ट मान तो नहीं पढ़ते, ये चलता रहता है, रिपीट भी नहीं होता। अब इसलिए ये आपकी कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, एक आपका ई, ये सिंबल भी आपका क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा लेते हैं हम अपरिमेय संख्या में आता आपका अनावर्ती, अशांत, दशमलव, ये संख्या भी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0.15, 0.15, 0.0015, 0.0015। अब देखिए ये चलती जा रही है नॉनस्टॉप, रुक नहीं रही, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आसान, दशमलव तो है ही, पॉइंट लग रहा है। अनावर्ती क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रही। देखो यहाँ 15 है, यहाँ 0 15 है, यहाँ 00 15, यहाँ 0000 15, तो मतलब चेंज होती जा रही है। ठीक है, सेम सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी कैसी कहलाएगी, अनावर्ती आसान दशमलव। इनको हम पी वटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अतः ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी, कौन सी संख्या है, अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर, दोनों संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। कौन से संख्या कहलाती है, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्याएं होती हैं आपकी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होती हैं उनको हम रेखा पर दर्शा सकते हैं, 0 -∞ से लेकर +∞। जितनी भी संख्याएं आती हैं सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके अंदर परिमेय भी आएंगी और अपरिमेय भी आएंगी, पॉइंट वाली सारी संख्याएं आ जाएंगी, वो सारी संख्याएं जो हमारे नॉर्मल डेली यूज में काम आती हैं, सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, वास्तविक। और वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय जितनी भी हमने संख्या अब तक पढ़ी है वो सारी संख्या आपकी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ओके बच्चों, काल्पनिक संख्या जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, आई, आई मतलब होता है आयोटा, आयोटा हिंदी में आप ऐसे आयोटा। ठीक है, इस आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1, क्या होता है बच्चों, -1। अगर मैं आपसे कहूं आयोटा का स्क्वायर बताओ तो आप बोलोगे -1, एंड स्क्वायर कर लीजिए अंडर रूट जाएगा -1, और आयोटा की पावर अपन स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा, +1। ओके, जैसे 5 आयोटा, 5.2 आयोटा, 0.3/12 आयोटा, तो जहां आयोटा आपको दिख जाए वो आपकी कैसे संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ओके, या फिर आपको ऐसा दिखाई दे अंडर रूट में -25, अंडर रूट में -16। अब देखिए जैसे अंडर रूट में -16 है, आप इसको लिख सकते हो 16 × -1, राइट। अगर आप 16 का अंडर रूट बोलू तो आप बोलोगे सर 4। अब अंडर रूट में क्या बचे बच्चों, -1। अब 4 का 4 और अंडर रूट -1 किसका मान होता है,
तो आप बोलोगे सर आयोटा का मान होता है तो चार आयोटा, ठीक है। अगर एस एस का मान पूछा जाए तो आप बोलोगे पांच आयोटा, क्योंकि अंडररूट के अंदर अगर माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है, तो हम उसका अंडररूट जब निकालेंगे तो आयोटा आएगा, क्योंकि अंडररूट के अब माइनस है ये, अगर ये माइनस पांच गुना माइनस पांच होता तो बाहर पांच आ जाता, या फिर ये पांच गुना पांच होता तो भी पांच आ जाता, लेकिन यहां पर माइनस और माइनस क्या हो रहे प्लस, लेकिन यहां पर देखो माइनस का चिन्ह है तो एक तो प्लस का पांच होगा एक माइनस का पांच होगा, क्या हम इसका अंडर निकाल सकते हैं। अब इसका यहां कंफ्यूज है कि प्लस पांच निकाले माइनस पांच निकाले, ठीक है। तो ध्यान देना जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, उसका अंडर रूट अगर आपको लेना पड़े तो समझ जाना वो कौन सी संख्या आपकी काल्पनिक संख्या है। लास्ट आता जो सममित संख्या होती है वो किससे मिलकर बनती है, वास्तविक प्लस काल्पनिक। ओके बच्चों, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक भाग मिलकर क्या बनाते हैं, सममित संख्या बनाते हैं। एग्जांपल देखिए, सममित संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, सममित संख्या देखो, देखिए सममित संख्या पांच प्लस थ्री आवेटा जिसे आपको मिल पाया था, चार प्लस छह आवेटा, नौ प्लस सात आवेटा, ठीक है, ये आपका वास्तविक होगा ये काल्पनिक होगा, तो वास्तविक और काल्पनिक पर क्या बना रहे सममित संख्या, ये भी सममित संख्या है ये भी सममित है, आपको दिख रहा होगा ये वास्तविक भाग है और ये कैसा है काल्पनिक, क्योंकि आयोटा। ओके, तो ये आपकी जो संख्याएं होती है नंबर सिस्टम में, मैंने जो भी आती है सममित सम ये तो सारी आपको बता दी है, इनके अलावा भी हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण परफेक्ट नंबर, त्रिकोणीय संख्या, रेक्टेंगुलर नंबर, तो हम बहुत सारी है ना संख्या पढ़ेंगे, सारी संख्याओं को मैं सेकंड वीडियो में अपन थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ।